प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने आगामी शिमला नगर निगम और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तेज कर दी है। पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला ने आज शिमला में कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर पार्टी नेताओं व पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा की गई। पत्रकारों से बातचीत में राजीव शुक्ला ने कहा कि शिमला नगर निगम और विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा भी किया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी सत्ता में आने में कामयाब रहेगी। एक वार्ड पे हम बहुत मुस्तैदी से लड़ेंगे, बड़ी मेहनत से लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। जैसे हमने जो है, आपको याद हो, सोलन भी हमने जीता, पालमपुर हमने जीता और इसके बाद हम धर्मशाला भी जीत ही गए थे, अगर तोड़फोड़ न की होती वहाँ पे। और इसके अलावा दूर दराज आप देखिए तो बिल्कुल कोने के हिमाचल के कोने पर लाहौल स्पीति, वहाँ भी हमने बनाया। तो आप ये जान लीजिए कि हम शिमला कॉरपोरेशन भी जीतेंगे और इसके बाद विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे। कोई ये सब जो है, इन चीज़ों से किसी को कुछ विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत जगह बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत छोटी मोटी शक्तियाँ आएंगी वोट काटने के लिए, बस खाली वोट काट पाएंगी लोगों का और कुछ नहीं कर पाएंगी। कांग्रेस जीत के यहाँ सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी की 6 अप्रैल को मंडी में होने वाली रैली को लेकर पूछे गए एक सवाल पर राजीव शुक्ला ने कहा कि आम आदमी पार्टी का विधानसभा चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा।